तो तकलीफ में हूँ भाई, मैं किस बात का मनाऊं? मैं नहीं तू, क्या बात है? सही बात है, मैं तो लाना देने के लिए तंबू में बंद करो, कपड़े में घुमाओ और इनके लगाओ तेल वाला डंडा, अंडे पकड़ के लटके रहे ना, ये किसी को अभी भी नहीं आने। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, आई टोल्ड यू, दे मैंने प्रोग्राम में पहले भी कहा था बैठे हुए, US has nothing to lose but to win everything and they created a history and unfortunately US is winning against Ireland and Pakistan losing in India. That's going to be a very bad place to be. Pakistan do or die situation ban gaya India Pakistan. Log puche ji aap kyun nahi gaye wahan pe Texas mein, inki ye beshermi dekhne ke liye jaye hum, ye USA se muh kala karwaye aur hum apni jeb se halal ke paise jo mehnat karke kamate hain वो लगा के इनका ये तमाशा देखने जाए। 3 मिनट जिसकी गिरी भी हो वो 18 ओवर में जीता 169 रन और ये सबसे बेस्ट का इस्तेमाल लेके जा। भाईजान कुत्ते पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं, $25 की टिकट पे जो है वो ऑटोग्राफ ले लो, फोटोग्राफ ले लो प्लेयर्स के, ये हाल है इस टीम का, ये करने गए यहाँ पर, बेकार है ये, बेकार है, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखे आप कि ये कुछ करके देंगे आपको। यार आपने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी है भाई, यूएसए से हार के अब इंडिया से मैच जीत रहा है आपने। पता नहीं किस किस्म के लोग यार, आपको तो शर्म नहीं आती भाई, हमारा तो सर झुक जाता है, हम तो पाकिस्तान टीम में नहीं, हम टीवी बैठते हैं, हमारा सर झुक जाता है। फिर कहते हो हम इंडिया से मुकाबला करेंगे, फिर कहते हो उससे मुकाबला करेंगे, और भाई एक्सपेक्टेशन तुम लोगों से बहुत है हमारी, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुक्के में खेलते हो, जीत जाते हो, नहीं तो नहीं, बस दैट्स इट, खत्म हो गई। दोस्तों नमस्कार, कल अमेरिका ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। वो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान के लोग और वहां की मीडिया यही बातें कर रहे थे कि हम तो अमेरिका को बड़े आराम से हराकर इंडिया को मैसेज देंगे 9 जून के लिए कि इंडिया हम तुमको हराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही, अमेरिका ने पाकिस्तान को ही बुरी तरह हरा दिया। वो तो अगर अमेरिका की टीम को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होता तो ये मैच 2 ओवर पहले ही खत्म हो जाता। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे अमेरिका को और लग रहा था कि यूएसए ये मैच बड़े आराम से हार जाएगा क्योंकि हारिस श्रॉफ बॉलिंग कर रहा था, लेकिन ये मैच टाई हो गया और सुपर ओवर में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया। इतनी बुरी हार के बाद पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान के ऊपर, वो कह रहे हैं कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए क्योंकि अमेरिका से हारना तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि अमेरिका में कोई जानता भी नहीं कि क्रिकेट नाम का कोई खेल भी है दुनिया में। बावजूद भी अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया और इस टीम में ज्यादातर प्लेयर इंडिया के ही है और जिस बॉलर ने ये मैच जितवाया है वो इंडिया का ही है और वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेल 2010 में। 9 जून को इंडिया का मैच होने पाकिस्तान से, हमें लग रहा है कि इंडिया इनको बड़े आराम से हराएगी क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका है इस इतनी बड़ी हार के बाद। पता नहीं हमने क्या गुनाह किए हैं कि हर बार ऐसे लोगों को हम पे मुसल्लत किया जाता है, चाहे हुकूमत की शक्ल में हो चाहे किसी और शक्ल में हो। आज खुदा की कसम किसी को मुंह दिखाने चोगा, कम से कम मैं तो कहता हूँ कोई चिल्लू भर पानी हो मैं तो उसमें डूब के मर जाऊं कि मैं हराम खो रहा हूँ, इन बेगैरतों ने सोच रहा था अमरीका को हराम खो लड़ाएंगे। उनके मुनाद पटेल ने 37 गेंदों पे किया 50, छक्का भी मारा शाहीन को, चौके भी मारे, कितना काम, कूल, रिलैक्स, मजे से वो बैटिंग करते करते अपनी गेम को आगे लेके जा रहा था और अपनी टीम को वो 100 के पार लेके गया है और एक ही खिलाड़ी आउट था, विकेट उसने बचा के रखी हुई, इतने मजे थे। और हमारे बाबर आजम 4000 T20 के रन हो गए हैं जी, सेकंड प्लेयर नहीं वो कराची का कुछ चलने से निकला वाला तीन बाबर लेजेंड आमिर आ गया, अब अपने आप को संभालो सालो, गटर के बच्चों ये अमेरिका में फैल गया। ये 24 गेंदों पे 10 रन करने वाला बाबर आजम, 24 गेंदों पे तुम 10 करते हो, उनका कप्तान जो है उनका वो 50 रन 37 गेंदों पे और अपनी विकेट बचा के मजे से 7-8 रन और तुम कप्तानी करने आओ, ना कप्तानी हो रही है ना बैटिंग हो रही है, 24 गेंदों में 10 रन, ये तौहीन है कि कोई बंदा तुम्हारे नाम के साथ किंग लगाए, किंग नाम की तौहीन है ये, किस बात के किंग है? किंग होते हैं तो अपनी टीम के लिए सुपर ओवर में आते ठीक है मैं 3 छक्के मारूंगा इसी, वो ठीक बोला बासित अली ने जो बोला, लोग बेशरम है जो उसको बोलते हैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करो, किसको मारे 3 छक्के और जिसका कोई नाम नहीं जानता, वो आज उन बॉलर्स के सामने या जिसने सुपर ओवर किया नेटवर्कर, he was clueless, he was helpless, देख के तरस आ रहा था कि ये बैटिंग कर रहा है भाई हमारा नंबर वन बैट्समैन बाबर आजम, कोई गेंद बल्ले के मिडल में नहीं लग रही, बोल्ड होता होता गंदा सा बचा, गेंद बल्ले पे नहीं लग रही और निकल के उसको चौके और छक्के मारने जा रहा है, चौके और छक्के उसको मारने के लिए वो बाउंस थोड़ा सा ऊपर हो गया वरना वही बैटर उड़ जाते इसके, और ये बैटिंग कर रहे हैं 24 गेंदों पे 10, ये क्या ये न्यूयॉर्क जहां पे ये जो नासू क्रिकेट इंटरनेशनल इन्होंने बनाया ग्राउंड उसकी पिच थी ये, वहां पे लोग 24 गेंदों पे 10 नहीं कर रहे यार, 24 गेंदों पे 10 ये कौन सा मैच हो रहा है यार, दूसरी टीमों की विकेट नहीं गिरती, बंदे में थोड़ी सी शर्म आया होनी चाहिए, इतना प्रेशर बाकियों पे डाला 24 गेंदों पे 10, पावर प्ले में 30 रन, यह जनाब इनका तरीका कार है, कोई में कोई लोगों की फीलिंग का एहसास नहीं, वीडियो आ रही है सारे होटल में बैठे हैं जुटते मार रहे हैं ये वो, ये तभी ड्रामेबाजियां अच्छी लगती है जब तुम लोग ऑन फील्ड कुछ अच्छा करो, कुछ जीतो, कुछ अपने जो क्रिकेट फैंस हैं उनको कुछ खुशी दो तो फिर तुम हंसो मुस्कुराओ जुटते मारो एक दूसरे को जोक सुनाओ, तो ये बातें तब सारी अच्छी लगती है। क्रिकेट के मैदान पे तो तुम लोगों से कुछ हो नहीं रहा,
तमाशेबाजियां, वो आजम खान $100 से ये पसीना पूछ रहा है, ये बहुत गर्मी लग रही $100 से, बेशरम आदमी। और फिर लोग बोलते हैं जी इसको आप मोटा बोल देते हैं, ओवरवेट बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं। जो साफ पानी को भी रिलीज करेंगे, नपाक करेंगे, पलीत करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ रिजवान साहब, ये टाइम आ गया, पाकिस्तानियों निकलो बाहर, बाहर निकला इसको, चेयरमैन पीसीबी को, इसके लाने वालों को गली में खड़ा होकर लितर मारो, ये तुम्हारे लितरों के काबिल है। इसने ये बाबर आजम नाम की नहुसत, ये नहुसत हमारे मत्थे लगाई। जब मैंने आपको 2020 में खुदा की कसम मैं माफी मांगता हूँ, जिनसे मैंने कहा था वो गरूर तकब्बुर नहीं था, वो ये था कि पाकिस्तान की टीम इतनी खलीज नहीं है, लेकिन ये इससे भी बड़ी खलीज, बदकिदार, बदबूदार, हरामखोर, नॉट डिजर्विंग टीम है। अमेरिका वेरी 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 वेल डन। काश हमारे मुल्क में कोई गैरतमंद उठे और इन सब का वो हाल करे। इन्होंने पाकिस्तान को भी लूटा, इन्होंने मुल्क के खजानों को भी लूटा, और अब इन्होंने क्रिकेट को भी बंद कर दिया। फुटबॉल में तीन चीजों क्रिकेट को देखो, हम जाहिर के बड़े शौक से आया कि जनाब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी, जाते हैं देखते हैं T20 वर्ल्ड कप, और इन्होंने पहली मैच में पूरा मूड जो है उसका बेड़ा कर दिया, पूरे मूड की मापन कर दी। वी अंडरस्टैंड क्रिकेट, इट हैपेंस। लेकिन यार तुम लोग यूएसए से, अब यूएसए से तुम लोग हार जाओगे, जिसका पहला वर्ल्ड कप है, और इसमें इतनी अकल नहीं है कि किस बॉलर को कब ओवर देना है, फील्ड क्या सेट करनी है। कभी तुम लोगों ने दो या तीन खिलाड़ी, जो मैंने पहले देर बात किया है, ऐसा कोई मैच देखा है अगली टीम के दो या तीन ही आउट हो और फट जाता टोटल इस उनसे चेज नहीं हुआ। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम ऐसा मैच कभी हुआ, मुझे तो नहीं याद, मैं हालांकि बड़ा अपडेट रखता हूं अपने आप को क्रिकेट से। ऐसा कोई मैच आप बताइए कि दो या तीन खिलाड़ी आउट हो और वो टीम मैच हार जाए, वो चेस ना कर सके। ये झटियल टीमों को मार रहे हैं, चाहिए कि यार पावर स्ट्राइक करे, अब पावर स्ट्राइक बहुत गालियां दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक बैटर लाइक बाबर, इलेक्ट्रिक देख लिया तूने, ऐसा इलेक्ट्रिक है ये, बैटरी पे ज्यादा अच्छा चल जाता है ना ये तो बैटरी। मैंने पहले बोला था ना कि ये वो बैटरी है, वोल्ट पूरा इसके, इस पे एंपियर नहीं मिलते, करंट नहीं आता इस बैटरी में, शर्म का, गैरत का। भैया तुम और रिजवान पावर प्ले के मजे 4 साल से ले रहे हो, क्यों भेजा इफ्तिखार को, क्यों गुनाह हो गया आज, करते ना तुम दोनों 19 यार, कौन मना कर रहा था, दुनिया तुमको देख, हमने हमेशा तुमको ही देखा। अभी वो किधर है, कल जो लोग लिख रहे थे, कल लिख रहे थे याद है ना, अब वो जो लिख रहे थे उनको मैं तवज्जो करो कि यार इंडिया ने भी कॉपी किया है, उन्होंने भी बाबर और रिजवान को एक साथ देखकर रोहित और विराट, रोहित और विराट को ओपन बना दिया। अबे ये तुम कह रहे थे यार, आज कमेंटेटर शर्म नहीं आती तुम लोगों को, एनालिसिस करते हुए भाग ले जाओ तुम लोग यार। ये पाकिस्तान की हार में जितना बाबर जिम्मेदार है, उतने वो लोग चूसने वाले भी जिम्मेदार है, जो पिछले 4 साल से सिर्फ इसलिए कि 2 लाख बाबर आजम या रिजवान हमारी तारीफ के लिए कर दे, बरतानवी जो मंजरेकर वगैरह कह रहे थे कि वक्त कैसा गुजरता है, क्रिकेट इतनी जगह हो गई है कि हमें पता ही नहीं चला बाबर ने 4000 प्लस रन कहां बनाए। मंजरेकर का जो यानी वो कह रहा है मोस्टली हमने देखा ही नहीं कि T20 में कब इतना थ्रेटनिंग हुआ है, किस दिन हुआ है, किसकी छत पे हुआ है। और बाबर आजम आज ही कम से कम डरे बगैर खेल लेते, तुम्हारे वालिद साहब मैंने आज कोई तस्वीर देखी थी, शायद इनके अब्बू भी पहुंचे हैं, अब्बू भी देख रहे होंगे, यानी पहुंचे तो मैं देख रहा हूं किस लाने देख लिया मैंने। तो मतलब आज तो अब्बू भी मजबूर हो गए होंगे तुम्हारा खेल देख के, तुम तो ऐसा तुम्हें गली में भी नहीं खेलना चाहिए यार, मुझे तो नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं। मैं बता रहा हूं किसी क्लब के टीम से भी मैच करा दो, ये उससे भी हार के दिखाएंगे तुम्हें, ये बाबर और रिजवान अच्छा लोगों को ये बड़ी आगे खेलते हैं, बाबर और रिजवान अबे खेलते ही यही है। मेरे वाले साहब इस दुनिया में नहीं है, वरना वो तो मेरा जीना आराम करते थे, पूछ पूछ के कैसे हार गए, उनको कैसे समझाना है, अमेरिका से क्रिकेट हार गए, कैसे समझाना है, एनबीए होती रग्बी हम समझते हैं भाई, के बेसबॉल हार गए, बास्केटबॉल हार गए, रग्बी टेबल टेनिस इसको, अबे हॉकी वॉकी भी समझ में आता है, चलो भाई ठीक है, डफली अफली भी कोई डांस का प्रोग्राम होता है, चलो वो भी, अबे कोई डिस्को होता वो भी, कोई कव्वाली होती चलो वो भी, क्रिकेट में यार इंटेंट, इंटेंट पे बड़ा सवाल उठाते हैं लोग, इंटेंट पे बंद करके इनके चक्कर मारो, इंटेंट कहीं तेल में कहते तंबू को, तंबू में बंद करो और इनका तंबोला बना दो, तंबू में बंद करो, कपड़े में घुमाओ और इनके लगाओ तेल वाला डंडा, वो अंडे पकड़ के लटके रहे ना, ये किसी को अभी भी नहीं आने दे।